व्यवसाय के बारे में जानकारी दूंगा। फिट ट्रेड में होता क्या है, फिट ट्रेड में जब पूरे पार्ट्स मशीन के तैयार हो जाते हैं उनको ड्राइंग के अनुसार असेंबल करना, जो असेंबल करता है उसको फिटर कहते हैं। ये बेंच फिटर, बेंच फिटर में कारीगर का कार्य 75% हाथ से करता है और 25% वो मशीन के द्वारा करता है, वो बेंच फिटर कहलाता है। फिट ट्रेड में छोटे या बड़े पुर्जों को मिलाकर एक आकृति का रूप देना, एक मशीन का रूप देना, उसको फिटर कहते हैं। सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले स्वयं की सुरक्षा जरूरी है। खुद की सुरक्षा होगी तो आप काम अच्छे से करोगे। जैसे कि कोई भी छोटी लापरवाही कारण दुर्घटना हो सकती है तो आपको कार्य करने से पहले स्वयं की सेफ्टी, जैसे आपके पोशाक न ज्यादा लूज होनी चाहिए, न ज्यादा टाइट होनी चाहिए, आपके बाल ज्यादा बढ़ेंगे होनी चाहिए, अगर लंबे बाल है तो कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके हाथ में घड़ी अंगूठी गले में टाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, कार्य करने से पहले उनको निकाल दें। टूल्स की सेफ्टी, आपको जो कार्य करना है उसके अकॉर्डिंग ही आपने टूल को यूज करना है। टूटे हुए दस्ते वाली फाइल भी यूज नहीं करनी चाहिए, हमर यूज नहीं करना चाहिए, या किसी के उस पर तेल या ग्रीस लग रहा हो तो ऊपर वो यूज नहीं करना चाहिए उससे, क्योंकि चोट लगने का खतरा रहता है। कार्य करने के बाद टूल को साफ करके उसको उचित स्थान पर रख देना चाहिए। मशीन की सेफ्टी, जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको छेड़ नहीं चाहिए, चलती मशीन को भी हासिल होनी चाहिए, चलती मशीन में तेल ग्रीस इत्यादि नहीं डालना चाहिए, अगर मशीन में कुछ खराबी आ गया तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, मशीन को कार्य करने के बाद अच्छे तरह से साफ करना चाहिए। इसके बाद मेज रूम, आज का टॉपिक है स्टील रूम। स्टील रूम माप लेने की दो विधियां है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसके ऊपर ग्रेजुएशन होती है उसको प्रत्यक्ष मापी ऊर्जा कहते हैं, और अप्रत्यक्ष मापी ऊर्जा जिनके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं होती माप लेने के बाद वो दूसरे टूल के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ते हैं। स्टील रूल अपना प्रत्यक्ष मापी ऊर्जा है। इंट्रोडक्शन, स्टील रूल स्टेनलेस स्टील की पुट्टी का बना होता है। जब कोई कारीगर जो बनाता है तो उससे पहले उसको जोर का माप लेना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके द्वारा वो उसको सही आकार में बना सकता है। ये स्टील रूम है, इसमें एक तरफ इंच में निशान होते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर निशान लगे होते हैं। स्टील रूम में एक तरफ इंच के निशान, एक तरफ सेंटीमीटर निशान होते हैं। ये स्टील रूम 6 इंच और 15 सेंटीमीटर का होता है, 12 इंच 30 सेंटीमीटर स्टील नाप लेने के लिए काम होता है। ये प्रत्यक्ष मापी औजार है, क्योंकि इसके द्वारा नाप लेते आप जो वो तैयार कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की पत्ती का बना होता है, इसका कभी भी इस्तेमाल जाना स्क्रू ड्राइवर के तरह नहीं करना चाहिए,
इसको कटिंग टुकड़ों से अलग रखना चाहिए। एक बने को जाकर सारा अगर इसको रखेंगे तो इसकी मेज के ऊपर निशान आ जाएंगे तो आप माप अच्छे से नहीं ले सकते। स्टील रोल उसके बाद आता है कैलिपर। कैलिपर्स अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ये प्रत्यक्ष मापी औजार था, इसमें मेजरमेंट थी और ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसके द्वारा जो करना आप लेने के बाद उसको ट्रांसफर स्टील रोल पे करते हैं। इसके द्वारा हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व्यास इत्यादि का नाप ले सकते हैं। कैलिपर के द्वारा कैलिपर जो है ये वाइस्टर के बनते हैं, इन गेजेस पॉइंट को केस हार्ड किया होता है मटेरियल। वाइस्टर आउटसाइड कैलिपर और साइड कैलिपर की अर्ध गोलाई में अंदर की तरफ लेग्स मुड़ी होती है अर्ध गोलाई में। इसके द्वारा हम जो बारी माप ले सकते हैं, ऊंचाई ले सकते हैं, मोटाई ले सकते हैं आउटसाइड कैलिपर के द्वारा। और इसका साइज कहां से लिया जाता है, रिवेट के माध्यम से लेग्स पॉइंट तक। यहां से इसका माप ये लगता है ये 15 सेंटीमीटर का है, ये कितने के साइज का है कहीं पर जाकर आपको देखना है तो इसको रिप के माध्यम से लेग्स पॉइंट तक इसका नाप ले सकते हैं। उसके बाद नंबर दो आता है इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड इनसाइड इनसाइड क्या होता है, बाहर की तरफ थोड़े होते हैं, इसके अर्ध गोलाई अंदर की तरफ होते हैं। इन साइड के ये जो पॉइंट है ये बाहर की तरफ होते हैं, इनको किसी खांचे में या किसी गोल रोड के अंदर व्यास लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको उसमें डालेंगे और देखेंगे उसके बाद जो है ट्रांसफर स्टील रूल पे करेंगे, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष माप औजार है, ये प्रत्यक्ष माप औजार है। इसमें ग्रेजुएशन होती है, ग्रिप और नील होती है, तो इसका माप ट्रांसफर इस पे किया जाता है। इसके बाद आता है ओड लैग कैलिपर।
4 लाख कैलिपर की एक टाउन सिद्धि होती है, दूसरी लेग्स जो है अंदर की तरफ मुड़ी होती है, फोर लैग कैलिपर की एक टांग दूसरी की होती है, दूसरी अंदर की तरफ मुड़ी होती है, इसका दूसरा नाम लगड़ा कैलिपर बोल देते हैं, इसको जैनी कैलिपर बोलते हैं और हर्मोप्रोटेट कैलिपर बोलते हैं। इसके चार नाम फोर लैग कैलिपर के, फोर लैग कैलिपर, हर्मोप्रोटेट कैलिपर, लगड़ा कैलिपर, जैनी कैलिपर। इसके द्वारा हम जो है किसी गोल्ड जॉब का सेंटर निकालते हैं और जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए ओड लैग कैलिपर का इस्तेमाल होता है। जॉब जब आप जो बनाते हैं उसके राइट एंगल बनाते हैं, जब भी जॉब हो गया है जॉब के आप क्या करोगे, सफेद बनाओगे इसके दो राइट एंगल, दो समंदर मुझे ऊपर डिग्री में तैयार करोगे जो बिल्कुल पास पास है, तो उसके बाद क्या करोगे आप ओड लैग कैलिपर से इसमें लेआउट करने के बाद जो पेपर इसकी मुड़ी जो टाइम दर्तर है इसको साइड में लगाओगे और सीधे काम से यानी हम तक जो कि ऐसे मार्जिन करेंगे। लाइन लगाने काम आ गए, मार्किंग करी जो पेपर, उसके बाद गोल्ड रोड है, गोल्ड जो है उसका सेंटर निकालने के लिए फिर क्या करोगे आप इसकी जो मुड़ी लेग्स है उसको लगाओगे ऐसे, चार लगाओगे इधर से लगाओगे इधर से लगाओगे, फिर उनको स्पैक होए, फिर उनको क्या करना होगा ऐसे लगा देना और ये जो है ना सेंटर निकलेगा। इसका दो पारी है, मार्किंग करते हैं और गोल्ड रोड, गोल्ड रोड जो है जो है उसका सेंटर निकालने के लिए भी रोड लैग कैलिपर का यूज होता है। इसके बारे में बताया, अब दोबारा देखो स्टील रोल, स्टील रोल जो है डायरेक्ट मापी हो जा रहा है, प्रत्यक्ष मापी हो जा रहा है, कैलिपर इनडायरेक्ट मापी हो जा रहा है अप्रत्यक्ष मापी है, क्योंकि स्टील रोल के ऊपर ग्रेजुएशन होती है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं होती, इसका माप हम ट्रांसफर करते हैं स्टील रोल। स्टील रोल जो है स्टेनलेस स्टील की पत्ती का होता है, ये एक तरफ इसमें इंच के निशान होते हैं, दूसरी तरफ इसमें सेंटीमीटर के निशान होते हैं, ये 6 इंच तो 15 सेंटीमीटर, 12 इंच तो 30 सेंटीमीटर इत्यादि के पाए जाते हैं। आप स्टील रोल का इस्तेमाल कभी भी सर्व ड्राइवर की तरह करना चाहिए, इसकी सेफ्टी करनी चाहिए, इसको पटिंग बोर्ड के साथ में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें निशान आ जाएंगे तो आपको मार लेने में जो है ना असुविधा होगी, तो आपने ध्यान रखते हुए कटिंग उजार से जो भी आपके मेजरिंग टूल है उनको कटिंग टूलों से अलग रखना है हमेशा। इसके बाद कैलिपर, कैलिपर बताया मैंने, कैलिपर द्वारा लंबाई चौड़ाई व्यास या ऊंचाई का नाप ले सकते हैं। इसके आगे कैलिपर भी तीन प्रकार के हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और लैग कैलिपर। ये बाई स्टील के बने होते हैं और के गेजेस पॉइंट को, ये गेजेस पॉइंट जहाँ से आप माप लेते हो इनको केस हार्ड किया होता है ताकि ये बार बार माप लेने से खिसे ना, नुकसान ना होगा। अगर ये बड़े छोटे हो जाते हैं तो आपको ग्राइंड करके दोबारा इनको एक लेवल में रखना चाहिए, अगर ये बड़े छोटे रहेंगे तो माप फिर से ही होगा, क्योंकि गेजेस पॉइंट खराब हो जाते हैं तो दोबारा ग्राइंड करके आप ठीक कर सकते हो। आउटसाइड से इसके जो है ना अर्थ बुढ़ाई में अंतर मुझे होती है लेग्स, इसके द्वारा आप बाहर का व्यास लंबाई चौड़ाई मोटाई ले सकते हैं। इनसाइड कैलिपर, इसके देखो फर्क है, इसके इसमें अंतरी साइड है, इसके जो पॉइंट है ना बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, इससे क्या होगा इनको खंचे में डाल के चीज में स्लॉट लगे होते हैं या कोई भी गोल पाइप है उसके अंदर डाल के उसको माप ले सकते हैं, उसके बाद स्टील रूम पे ट्रांसफर करना पड़ता है, इसका माप भी इसका माप भी। तो ये जो है हमने माप के लिए है, ये बाहर का माप के लिए है। अब ये ओड लैग कैलिपर, ओड लैग कैलिपर में क्या है इसकी
एक लेंस भी कुछ ही तीन बदल ली, दूसरी लेंस पॉइंट पे जाके तरी तरह हो गई है, इसको कहते हैं ओडला कैलिपर, हर्माकोटाइट कैलिपर, लगड़ा कैलिपर, जेली कैलिपर, इसके चार नाम है। इसके द्वारा हम जो पे जो नब्बे डिग्री तैयार हुई है तो उस पे इसकी जो बाहर बुढ़ी लेंस अंतरी सब लेंस होगी उसको बाहर लगा के तो लाइन लगा सकते हैं। मार्केट करने के लिए इसका यूज होता है। गोल्ड रोड आर्स का सेंटर निकालने के लिए रोड लाइन कैलिपर का यूज होता है। इनसे अंदर का भाग ये बाहरी भाग और ये मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। ये था आज मैंने आपको स्टेबल और कैलिपर्स के बारे में, सेफ्टीज के बारे में बताया है। फीटर टेड में क्या होता है, बैच फीटर होता है जिससे वो 70% कार्य हाथ के द्वारा करता है और 25% कार्य मशीन के द्वारा करता है। आपका मशीन का कार्य बहुत कम है, हाथ के द्वारा ही ज्यादा कार्य होता है फीटर टेड में। ट्राई स्केयर के बाद आता है ट्राई स्केयर। ट्राई स्केयर भी आपके माप लेने के लिए प्रयोग में आता है। ट्राई स्केयर होता है एल टाइप का। यह आपका ट्राई स्केयर है, इसके द्वारा आप 90 डिग्री की भुजा को चेक करते हैं। जैसे जो बढ़िया ना इसकी लंबाई ब्लेड के सिरे से लेकर अंतिम छोर तक ली जाती है, यहाँ तक इसकी लंबाई टैपिंग करोगे तो टैप को चेक करने के लिए भी ट्राई स्केयर की आवश्यकता पड़ती है। जब आप यहाँ पर लगा कर टैप चलाओगे इसमें थ्रेड निकालने के लिए, उसके बाद इसके ब्लेड को उसके साथ लगा के आप देख सकते हो कि 90 डिग्री के एंगल में है या नहीं है। ट्राई स्केयर का प्रयोग इसलिए होता है कोई भी भुजा मापने के लिए या कोई भी स्केयर है बीच में ये कट है ये 90 डिग्री का है या नहीं है, तो आप इसको भी ट्राई स्केयर के जरिए देख सकते हो ये 90 डिग्री पे है या नहीं। ट्राई स्केयर का ये मामला ट्राई स्केयर का भी सेफ्टी कटिंग टूलों से अलग रखना चाहिए, तेल के ब्रीज नहीं लगना चाहिए इस पर, और इसका भी इस्तेमाल हमर की तरह किसी तरह नहीं करना चाहिए, जिसका प्रयोग है वैसे ही आपको इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, I want to be a good example.